मरुद्रा की सियासत में इन दिनों कई सियासी दिग्गजों के हालात मरता क्या नहीं करता वाली हो चली है। अगर बात दुनिया की सबसे बड़ी सियासी पार्टी भाजपा की ही कर ले तो यहाँ सूबे की दो बार मुखिया रही वसुंधरा राजे के हालात भी कमोबेश ऐसे ही हैं। सूबे की सियासत में कभी वसुंधरा राजे की तूती बोला करती थी, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल गए हैं। लिहाजा सियासी गलियारों में ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या पार्टी में उपेक्षा झेल रही वसुंधरा राजे अब नई पार्टी का गठन करेंगी। दरअसल ये सवाल पूछा जाना इसलिए भी लाजमी हो चला है क्योंकि वसुंधरा राजे के लिए राजनीति में उपस्थिति बनाए रखना भी मुश्किल हो रहा है। इसलिए वो अपने समर्थकों से कभी वसुंधरा राजे समर्थक मंच का गठन करवाती हैं तो कभी किसान मोर्चा के नाम पर प्रदेश स्तरीय संगठन खड़ा करने का प्रयास कर रही है। अब तो टीम वसुंधरा के बकायदा दफ्तर तक शुरू हो गए हैं। राजधानी जयपुर में भी एक ऐसा ही टीम वसुंधरा का दफ्तर शुरू किया गया है जो चर्चा का विषय बना हुआ है। वसुंधरा राजे के नाम से शुरू किए गए इस दफ्तर की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। दफ्तर खोलने का मकसद बताया गया है कि साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों में वसुंधरा राजे के नेतृत्व में सरकार बनाना है। सबसे खास बात यह है कि टीम वसुंधरा राजे की ओर से काम में लिए जा रहे पोस्टर बैनर्स भी चर्चा में है। इन पोस्टर बैनर्स में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पूर्व राजमाता विजय राजे सिंधिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर्स शामिल हैं, जबकि भाजपा के झंडे या दूसरे किसी भी तरह के पार्टी संबंधित तस्वीरें नदारत है। लिहाजा कहा जा रहा है कि राजे अपनी उपस्थिति बनाए रखने के लिए हर दाव आजमा रही है। गौरतलब है कि पार्टी में अपनी उपेक्षा को होते देख वसुंधरा राजे ने समानांतर गतिविधियां शुरू कर दी थी। कोरोना काल में वसुंधरा रसोई विधानसभा क्षेत्र स्तर पर चलाई गई, जबकि संगठन के स्तर पर पहले से ही सेवा कार्य किए जा रहे थे। वसुंधरा समर्थकों ने इंटरनेट और सोशल मीडिया पर कई ग्रुप्स बना रखे हैं। जिला स्तर पर इनकी टीम भी बनाई गई है। लिहाजा ऐसे में प्रदेश भाजपा के समानांतर टीम वसुंधरा राजे की सक्रियता को लेकर पिछले कई दिनों से विवाद चल रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया समेत कई वरिष्ठ नेता टीम वसुंधरा को लेकर आपत्ति दर्ज करवा चुके हैं, बावजूद उसके टीम वसुंधरा पर इसका कोई असर नहीं हो रहा। वसुंधरा खेमे के पूर्व मंत्री प्रताप सिंह सिंघवी, भवानी सिंह राजावत, प्रहलाद गुंजल, यूनुस खान, पूर्व सांसद बहादुर सिंह कोहली सहित वसुंधरा राजे के कट्टर समर्थक माने जाने वाले एक दर्जन से ज्यादा नेता भी पार्टी में दरकिनार चल रहे हैं। लिहाजा ऐसे में सोशल मीडिया पर सक्रिय चल रही टीम वसुंधरा राजे ने राजधानी जयपुर में पार्टी दफ्तर खोल लिया है, जिसके बाद अब एक बार फिर कयास लगाए जाने लगे हैं कि क्या वसुंधरा राजे अपनी नई पार्टी का ऐलान करेंगी या अपनी नई पार्टी बनाएंगी। लिहाजा इन सवालों के जवाब तो आगामी दिनों में ही मिलेंगे, ऐसे में करना होगा इंतजार। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।